खुशहाल कर गई, निहाल कर गई, खुशहाल कर गई, भक्तों को माला माल कर गई, सन्यासी बाबा की भगवती का माल कर गई, मेरे बाबा की। आज सभी से निवेदन है, सिस्टर अंडर से भी, गुरुदेव भगवान के पास इतने लोग नहीं जाएंगे जो आश्रम के सेवा है, कृपया कोई जाए, आप लोग बेहतर साइड में जाओ प्लीज। गुरुदेव भगवान के साथ इतने लोग नहीं जाएंगे, हमारा निवेदन है, सब लोग खड़े रहेंगे। जो गार्ड है उनसे निवेदन है आ जाए, और भी जो आश्रम के गार्ड है वो जाएंगे, केवल जो आश्रम के गार्ड है ये खाली करवा दें पीछे से प्लीज। सभी लोग को नहीं जाना है, प्लीज खाली करवा दो, कोई नहीं जाएगा साथ में। गुरुदेव भगवान के पास ऑलरेडी गार्ड है, गार्ड बच जाएंगे और कोई नहीं, केवल गार्ड जाएंगे जो गार्ड है साथ में, और कोई नहीं जाएगा प्लीज। आपसे निवेदन है, आप लोग भी बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए, बैठे आप लोग, दर्शन करके बाबा खां अपनो हाल सुनाने, बाकी कोई नहीं जाएगा, केवल जो गार्ड है गुरुदेव भगवान के साथ वो जाएंगे। भैया आ जाओ, पीछे कोई नहीं जाएगा प्लीज, यहाँ लगो, केवल गुरुदेव भगवान के पास जो गार्ड है वो जाए, जो जहाँ पर है वही खड़े रहे, गुरुदेव भगवान के साथ केवल गार्ड जाएंगे, बाकी लोग खड़े रहे प्लीज, आप लोग खड़े रहे जो जहाँ पर है। देखिए आप लोग अव्यवस्था फैलाएंगे तो गुरुदेव भगवान को वापस आना पड़ेगा, सेवा सेवा जहां पर वो पहुंच जाए, सेवा आप लोग बैठे रहें, आप लोग बैठे रहें, दादा जप लो माई, जय 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 हनुमान गुसाई, किते विराजे राम प्रभु और तई विराजे कृष्ण कन्हाई। आप लोग दूर रहे और जो जहाँ पर है बैठे रहे प्लीज, आपसे निवेदन है, कोई भी गुरुदेव भगवान को स्पर्श ना करे, उसकी झोली हाल भर गई, आपसे निवेदन है, खुशहाल कर गई, कि आप लोग अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। सन्यासी बाबा की भगवती कमाल कर गई, मेरे बाबा की भगवती कमाल कर गई, जितने भी सेवादार हैं उनसे भी अनुरोध है वो कृपया गुरुदेव से दूर हट जाएं। आम जनता को मिलने दे, सारे सेवादारों से भी अनुरोध है कृपया वो दूर हट जाएं। सिर्फ एक दो सेवादार होंगे और कोई नहीं रहेगा साथ में, आपसे अनुरोध है आम जनता से गुरुदेव को मिलने दें प्लीज। शैले जी पीछे जो आ रहे हैं लोग अलग करा, भक्त लोग को प्लीज, जो आश्रम के सेवक है वही साथ में जाएंगे गार्ड प्लीज, सबसे हमारा निवेदन है, कोई नहीं जाएगा, आपसे हमारा विनम्र निवेदन है, जो आश्रम के सेवक है वही जाएंगे, आप अवस्था फैलेगी। राजेंद्र भैया प्लीज, ओ भैया वो जा रहा है लाल शर्ट वाले, उनको भी पीछे करें प्लीज, कोई नहीं, प्लीज आप लोग दूर हैं, आपसे निवेदन है। कोई भी गुरुदेव भगवान के साथ नहीं जाएगा जो गार्ड है और वेदांत और सेवा बस, और कोई नहीं, कोई भी स्पर्श नहीं करेगा, और रैंप पे कोई नहीं, कृपया रैंप पर गुरुदेव भगवान ही रहेंगे प्लीज, रैंप पर गुरुदेव भगवान रहेंगे, कोई भी स्पर्श न करे आपको।
रैंप पर कोई भी ना रहे, प्लीज रैंप पर ना रहे, रैंप पर गुरुदेव भगवान ही रहेंगे, प्लीज हमारा निवेदन है। जितने सेवादार हैं उनसे भी अनुरोध है कृपया वो हट जाए, नीचे आ जाए। गुरुदेव के आगे पीछे कोई नहीं जाएगा, कोई भी गुरुदेव के आगे पीछे नहीं जाएगा, जितने भी हैं सेवादार वो भी हट जाए और कोई भी गुरुदेव भगवान नीचे उतर जाए। जितने सेवादार है उनसे अनुरोध है रैंप से नीचे उतर जाए। आप सभी से निवेदन है कोई भी गुरुदेव भगवान को स्पर्श ना करे और रैंप पर सभी ना आए, प्लीज प्लीज हमारा निवेदन है। पूज गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की दिव्य चमत्कारी अभिमंत्रित भभूति आज आप सभी को प्राप्त हो रही है और बागेश्वर धाम बालाजी सरकार आपसे निवेदन, आप लोग बैठ जाए, पहले आप लोग बैठ जाए, सबको बैठा रहे यहाँ पे, आप लोग बैठे, सभी बैठ जाए, सभी बैठ जाएं। बागेश्वर बालाजी सरकार के चरणों में आप अर्जी लगाइए और कोई भी अपने स्थान पर खड़ा नहीं होगा, जिनको भी गुरुदेव भगवान बुलाएंगे, स्पर्श नहीं करना है, स्पर्श नहीं करना है, स्पर्श कोई नहीं करेगा, दूर से ही प्रणाम करेंगे, कोई भी गुरुदेव भगवान को स्पर्श न करें। परम पूजने गुरुदेव भगवान की दिव्य चमत्कारी अभिमंत्रित भभूति आज आपको सभी को प्राप्त होगी और जिनको भी प्राप्त ना हो पाए भोजनशाला से वो प्राप्त कर पाएंगे आज भी और कल भी। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, सभी को अभिमंत्रित भभूति प्राप्त होगी। जहाँ पर आपका पंडाल के पास दूसरा पंडाल भोजनशाला का लगा है वहां से आप भभूति प्राप्त कर पाएंगे और बागेश्वर बालाजी के चरणों में आप अर्जी लगाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए, बागेश्वर बालाजी के चरणों की कृपा से आपकी जो भी मनोकामना है पूर्ण होगी और पूज्य गुरुदेव भगवान के दिव्य दर्शन से ही आप पर कृपा होना प्रारंभ हो जाएगी। आप जहाँ है वहाँ बैठे रहें, गुरुदेव भगवान की दृष्टि आप पर पड़ जाए, समझो आप पर कृपा होना प्रारंभ हो जाएगी। तो पूज्य गुरुदेव भगवान के आप सभी दिव्य दर्शन कीजिए और बागेश्वर बालाजी के चरणों में आप अर्जी लगाइए, नियम पूर्वक शनिवार मंगलवार की पेशी कीजिए। ओम बागेश्वराय, जिनका पर्चा नहीं बन पा रहा है, ओम बागेश्वराय मंत्र का आप प्रतिदिन 5 माला कीजिए और नियम प्याज लहसुन मांस मदिरा का सेवन ना करें। ऐसा करने से जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, जो भी आपके कष्ट वादा हैं, वो धीरे 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 करके दूर हो जाएंगे। ऐसा हमें और आप सभी को बागेश्वर बालाजी के चरणों में विश्वास है और परम पूजने गुरुदेव भगवान के दिव्य दर्शन से ही, उनके दर्शन करने से ही आपके जो भी मनोरथ हैं, जो भी मनोकामनाएं हैं, वो पूर्ण हो जाते हैं। तो अगर आपका पर्चा ना बन पाए तो आप परेशान ना हो, सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की दिव्य चमत्कारी अभिमंत्रित भभूति आप सभी तक प्राप्त होगी, आप सभी को पहुंचेगी। तो आप सभी तक पहुंचेगी, तो आप लोग इसके लिए परेशान ना हो। बागेश्वर धाम सरकार के चरणों में आप बैठिए, सभी बैठिए, पहले आपसे निवेदन है, देखो आप व्यवस्था बनाए रखें, प्लीज आप सभी बैठेंगे, गुरुदेव भगवान आप सभी को दर्शन देंगे, आप सभी बैठे हैं, आपसे निवेदन है। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की। एक ऐसा दिव्य स्थल बागेश्वर धाम है जहां पर आने वाले लाखों हजारों भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और आज तक जो भी भक्तगण बागेश्वर धाम पहुंचे हैं या जिन्होंने बागेश्वर धाम सरकार के नियम विधिवत किए हैं, आज तक कोई भी वहां से खाली हाथ नहीं गया है। तो आप भी, आपकी जो भी
दुख दर्द कष्ट बाधा है, जो भी आपकी समस्याएं हैं या जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, आप बागेश्वर बालाजी के चरणों में प्रार्थना करें, उनके चरणों में जाके अर्जी लगाएं। 21 बार आप बागेश्वर धाम के दर्शन करने पहुंचें, 21 परिक्रमा लगाएं, 5 पाठ हनुमान चालीसा करें, और जिनका भी पर्चा नहीं बना है सभी भक्त ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय मंत्र का जाप करें। आप सभी बैठ जाएं, सभी से हमारा निवेदन है, ओम बागेश्वराय मंत्र का जाप करें, प्याज लहसुन मांस मंत्रा का सेवन ना करें, और जो पाकिस्तान सरकार के नियम है उन नियम का पालन करें। बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। परम पूजनीय गुरुदेव भगवान के दिव्य दर्शन करने से ही आपकी जो भी कष्ट बाधाएं हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। तो आप सभी गुरुदेव भगवान के दिव्य दर्शन करें, और दर्शन मास से ही आप पर कृपा होने लगती है। जरूरी नहीं कि आपका पर्चा बने, पर्चा नहीं बन पाए तो वो परेशान ना हो। आगामी कार्यक्रम आगामी कथाएं में भी आप पहुंच सकते हैं दिव्य दरबार में, और भूत प्रेत खां पकड़ के बाबा खूब चमीटा मारे रे। आप लोग बैठे रहे, आप व्यवस्था ना फैलाएं। अगर आप लोग खड़े होंगे तो गुरुदेव भगवान को वापस जाना पड़ेगा प्लीज। अगर आप लोग व्यवस्था बनाएंगे तो मजबूरन गुरुदेव भगवान को वापस जाना पड़ेगा। आप लोग बैठे रहे, कोई भी खड़ा नहीं होगा, आपसे हमारा निवेदन है, और कोई भी स्पर्श ना करे। आप लोग कृपया खड़े रहे, बैठे रहे प्लीज प्लीज। आप लोग बैठे रहे, पर्चा आपको अभी नहीं देना है, पर्चा अभी नहीं देना है आपको। आप थोड़ी देर बाद मंच के पास राजकुमार जी को पर्चा देंगे प्लीज। अभी पर्चा किसी को नहीं देना है, बैठे रहे आप लोग। आप व्यवस्था फैलाएंगे तो मजबूरन वापस जाना पड़ेगा प्लीज प्लीज। अगर आप बागेश्वर धाम सरकार को मानते हैं, गुरुदेव को मानते हैं, तो उनका बात का आदेश का पालन करें, सभी बैठ जाएं प्लीज। आपसे निवेदन है, आप व्यवस्था ना फैलाएं प्लीज, सभी बैठ जाएं। सबसे हमारा विनम्र निवेदन है, सभी लोग बैठ जाएं। देखिए आप सभी बैठेंगे तभी सभी को गुरुदेव भगवान के दिव्य दर्शन होंगे, तो आप सभी बैठ जाएं प्लीज। आप सभी लोग बैठ जाएं, हमारा सभी से निवेदन है। आप सभी से हमारा विनम्र निवेदन है, आप सभी बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, पर्ची आपको अभी नहीं देनी है, मंच के पास राजकुमार जी हैं, वहां पर आपको देनी है प्लीज। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, बागेश्वर धाम सरकार की, बागेश्वर धाम सरकार की। आप लोग बैठ जाएं प्लीज, आपसे निवेदन है। बागेश्वर बालाजी सरकार की कृपा से आपके भी जो भी मनोकामनाएं हैं पूर्ण होगी, एवं परम पूज्य गुरुदेव भगवान के दिव्य दर्शन से ही आपकी जो भी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे आपके दुख दर्द हैं दूर होते जाएंगे। कोई भी गुरुदेव भगवान को स्पर्श ना करें, दूर से ही प्रणाम करेंगे। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, बागेश्वर धाम सरकार की, बागेश्वर धाम सरकार की, बागेश्वर। मंच के पास थोड़ी देर बाद राजकुमार जी मिलेंगे, उनको आप देंगे फोटो और पर्चा।
जो आपका है फोटो पर्चा थोड़ी देर बाद आप मंच के पास राजकुमार जी को देंगे। और कोई भी गुरुदेव भगवान को स्पर्श ना करें, दूर से प्रणाम करें, आपसे निवेदन है हमारा, कोई भी गुरुदेव भगवान को स्पर्श ना करें, दूर से ही प्रणाम करेंगे, प्लीज आप सभी से निवेदन है, निवेदन है। कोई भी गुरुदेव भगवान को स्पर्श ना करें, दूर से प्रणाम करें, आपसे हमारा प्रणाम निवेदन है। कोई भी स्पर्श ना करें, आप लोग बैठ जाएं, आपसे निवेदन है कि आप लोग बैठ जाएं। आपका जो भी पर्चा है और फोटो है वो कृपया आप मंच के पास थोड़ी देर बाद राजकुमार जी को दीजिएगा, उनको ही देना है आपको। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, गौ माता की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो आप भी बागेश्वर बालाजी सरकार के चरणों में आप अपनी अर्जी लगवाइए, अर्जी स्वीकार करवाइए, उनकी कृपा से और परम पूज्य गुरुदेव भगवान के दिव्य दर्शन से ही आपके जो भी मनोरथ हैं वो पूर्ण होंगे। अगर आपका पर्चा नहीं बन पा रहा है तो आप बागेश्वर बालाजी के चरणों में प्रार्थना कीजिए, अर्जी लगवाइए और सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की दिव्य चमत्कारी अभिमंत्रित भभूति आप सभी को प्राप्त होगी। भभूति मास से ही आपके जो भी कष्ट हैं, दुख दर्द हैं, कष्टों का निवारण होगा। तो आप भी उनके चरणों में प्रार्थना कीजिए और उनकी कृपा से ही आपके जो भी कष्ट दुख दर्द हैं धीरे धीरे पूर्ण हो जाएंगे। और एक विशेष सूचना है, और एक विशेष सूचना है, आज रात्रि 8 बजे जाने माने लेखक गायक खनीज देव चौहान, जो बहुत ही अच्छे गायक हैं, उनके द्वारा आज रात्रि 8 बजे भजन संध्या का कार्यक्रम यही कथास्थल पर होगा। और एक और भजन उनके द्वारा बागेश्वर धाम बालाजी सरकार के लिए एक और भजन प्रस्तुत होगा, उसका विमोचन होगा आज रात्रि 8 बजे। तो आप सभी रात्रि 8 बजे भजन संध्या का आनंद लेंगे। और अब सभी विराजमान हो जाएं, पूज्य गुरुदेव भगवान का आगमन हो गया है। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, आप सभी विराजमान हो जाएं अपने स्थान पर, सभी से निवेदन है। और सभी को विभूति प्राप्त होगी, जिनको भी विभूति अभी नहीं मिल पाई है उनको भोजनशाला में विभूति प्राप्त होगी आज अभी और रात्रि में भी कथा के बाद, और कल भी आप सभी को विभूति प्राप्त होगी जिनको भी विभूति नहीं मिल पा रही है। तो इसका आप ध्यान रखें, जिनको भी अभी विभूति नहीं मिल पाई है भोजनशाला के पास थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे, वहां से लाइन से एक एक करके विभूति प्राप्त होगी, एवं रात्रि में भी कथा के बाद भोजनशाला में आपको विभूति प्राप्त होगी।